अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आज मैं आपके साथ चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं, आधा किलो हमने चिकन लिया जिसको हमने बॉईल कर लिया था, हसब ज़रूरत हम मक्खन लेंगे, एक टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, दो दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, एक टेबलस्पून लेंगे नमक और एक टेबलस्पून लेंगे काली मिर्च, दो टेबलस्पून लेंगे हम मैदा, तीन से चार अदद हम लेंगे हरी मिर्चें, एक कप दूध का लेंगे, हसबे ज़रूरत हम तिल लेंगे सफ़ेद और एक अंडे की जर्दी लेंगे। डो के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, दो प्याली हम लेंगे मैदे की, एक टीस्पून लेंगे नमक, दो टेबलस्पून लेंगे बटर के, एक टीस्पून लेंगे हम इंस्टेंट ईस्ट, एक टीस्पून लेंगे हम पिसी हुई चीनी और एक गिलास दूध का लेंगे। एक बाउल में सारे ड्राई आइटम डाल देंगे। इंस्टेंट ईस्ट डाल देंगे, नमक, चीनी पिसी हुई, मिक्स करेंगे इसको। इसकी आपने नरम डो गूंदनी है। इसको तब तक गूंदेंगे जब तक ये चिपकना बंद नहीं हो जाएगी। ये देखिए हमने गूंद लिया इसे, अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाल लेंगे, प्याज डाल दिए हमने, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे थोड़ा भूनेंगे दो मिनट के लिए। मैदा डाल देंगे इसके अंदर, इसको डाल के आपने जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है ताकि आपका जो मैदा है वो जले ना। दो मिनट इसे भूने आप, दूध डाल दें इसके अंदर, ये देखें इसकी इस तरह की पेस्ट बन जाएगी। दो मिनट चलाने के बाद देख लें, चिकन डाल देंगे इसके अंदर, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखें थोड़ा थोड़ा साइड पर रह रहा है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। नमक मिर्च डाल दी हमने, हरी मिर्च डाल दें, अब हम जो है ब्रेड बना लेंगे। डो हमारी तैयार हो गई है, एक घंटा हमने इसको राइज होने के लिए रखा था। डो को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, मैदा डस्ट कर लिया है, एक पेड़ा रख देंगे। इसको आपने लंबाई में बेलना है, गुलाई में नहीं बेलना। ये देखिए इस तरह से आपने करना है, देखिए लंबाई में करना है आपने इसको, ज्यादा बारीक भी नहीं करना आपने। ये
ये देखें हो गई हमारी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन। देखिए चिकन रख लिया, अब हम इसकी साइड्स पे कट लगाएंगे। आपने दोनों साइड पे, एक साइड मतलब जैसे मैं एक साइड पे लगा रही हूँ, आपने बिल्कुल इसके साइड पे लगाना है, ऊपर नीचे नहीं लगाना, नहीं तो आपकी ठीक बंद नहीं होगी। सारे लगा लेंगे हम इस तरह। देखिए इस तरह से। ये बहुत अच्छी बनती है घर में, आप बाजार की ब्रेड भूल जाएंगे। जरूर ट्राई करिएगा आप इसको। अब हम इसको बंद करेंगे। बंद करने का तरीका आप देख लें, एक इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, फिर उधर से उठाया, इधर से उठाया, बस आपने इस तरह इसको सारे को बंद कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा कम कटा हुआ है, जैसे ये मेरा है, इसको आप थोड़ा सा और काट लें यहाँ से। देखिए मैंने सारा कर लिया, अब लास्ट पॉइंट रह गया, ये देख लें आपने किस तरह करना है। ये होगी हमारी बन। अब हम इसके ऊपर ब्रश करेंगे जर्दी के साथ अंडे की। ये देखें इस तरह से लगा लें आप अच्छी तरह से। इससे ये होगा कि आपके कलर, आपका कलर बहुत अच्छा आएगा ब्रेड का, और जो हमारे तिल होंगे वो इसके साथ चिपक जाएंगे, उतरेंगे नहीं। इसको हम पतीले में बेक करेंगे। अब हम इसके ऊपर तिल डाल देंगे। देखिए हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसे बेक करेंगे। कोई ऐसा बर्तन ले लें, उसको ग्रीस कर लें आप। इसको दोनों हाथों से उठाएंगे, ध्यान से इस पर रख देंगे। देखिए आराम से उठाइएगा आप। इसे बेक करेंगे हम 30 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट के लिए हमने पतीले को प्री हीट कर लिया था। ये दूसरी भी तैयार हो गई है, इसको भी मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी। ये देखें जी आधा घंटा हो गया है, मैंने निकाली, इसका कलर देखें कितना अच्छा है। इसको काट के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, आपको अंदाजा हो रहा होगा कितनी सॉफ्ट है ये। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसे। ये देखें
कितनी सॉफ्ट है, आराम से टूट रही है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।